माशाल्लाह, जैसा कि हमें भाई बता रहे हैं, ये जो घड़ा है इसमें से हर वक्त तेल निकलता है रहता है, और तेल जो है ना हमेशा इतना ही रहता है। चाहे जो भी जायरीन यहाँ पे ज्यारत के लिए आते हैं वो इस तेल को घर में लेकर के जाते हैं। और तमाम पेड़ जो है ना जंगल के बिल्कुल ही, देख सकते हैं आप ये मंजर, और ये जंगल के बिल्कुल बीचों बीच में इस तरफ जो है टाइगर वगैरह आता है, आज भी आता है, आज भी आता है। जैसा कि हमें भाई बता रहे हैं, टाइगर जो है आज भी आते हैं सरकार की बारगाह में सलामी देने के लिए, इनकी खिदमत करने के लिए हजरत की बारगाह की। हाउस बिल्लाह मिन शैतान रजीम, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम तमाम व्यूअर्स को। मेरा उम्मीद आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। आज हम आए हैं कलियर शरीफ के अंदर में, और कलियर शरीफ से कुछ दूरी के ऊपर में, 25 किलोमीटर दूरी के ऊपर में एक बुज़ुर्ग हस्ती है जो कि सिलसिला चिश्तिया से ताल्लुक़ रखते हैं। उनका नाम है हज़रत शाह मंसूर, हज़रत शाह मंसूर रहमतुल्लाह अलैह, जो कि लोकल इलाके में सावन शेर या साइमन शेर साइमन शाह के नाम से फेमस है, लेकिन आप बुज़ुर्ग का असली नाम हज़रत शाह मंसूर है। और आप यहाँ से देख सकते हो आपकी बारगाह इस तरफ में कहीं है, पीछे में एक मीनार दिखेगा आपको, पीछे में एक मीनार दिखेगा गुम्मद शरीफ का, वहाँ पर आपकी दरगाह है। और हम यहाँ पर रुके हैं, और हमारे को यहाँ पर लेके आए हैं हमारे और फरदीन भाई, इम भाई खादिम है हुज़ूर साबिर पाक रहमतुल्लाह लेके, और फरदीन भाई भी यहाँ पर ही हैं, यहाँ खिदमत ही करते हैं सरकार में मेहमान लोगों की। भाई कुछ बताएं सरकार के बारे में, क्या मामला है यहाँ में। अस्सलाम वालेकुम, सबसे पहले तो आप लोगों सभी को, देखिएगा मैं दरबार शरीफ की सरजमी से फ़िलहाल शाह मंसूर बाबा की सरजमी पे अभी मौजूद हूँ, और आपकी कुछ करामात ऐसी है कि जो ज़ाहिर होती है जी, आप अभी चल के खुद देख लीजिएगा, आप सभी को यकीन हो जाएगा और दिख भी जाएगा कि इस बारगाह से कितने लोग फैज़ उठाते हैं, क्योंकि ये बारगाह एक बयावान जंगल में थी, और आज इस मकाम की, इस जगह का मकाम जो है वो बहुत अलग और आला अफजल होता जा रहा है। माशाल्लाह आप देख सकते हैं कि ये सिर्फ जंगल ही है, सारी तरफ आप देख सकते देख रहा है जंगल है, नदी नाले हैं, ये टाइगर चीता अधिकतर सारे जानवर वहाँ पर मौजूद होते हैं। पर सरकार की एक ख़ास बात यह है कि शेरों को भी गुलाम आपने बना रखा है। माशाल्लाह यहाँ पर बब्बर शेर जो होता है वो फजर के टाइम नमाज से पहले दरबार शरीफ में खिदमत करता है, अपनी पूंछ से झाड़ू लगा के जाता है, बस इतना ही फ़िलहाल बता पाऊँगा। चलिए इंशाल्लाह दरबार में जाके जो इंशाल्लाह हो मुलाकात हो इंशाल्लाह बात होती है। जी भाई इंशाल्लाह दरबार में चल रहा है हम लोग साथ में, और आपको बताना चाहूँगा हमारी गाड़ी आ नहीं सकती, थोड़ा रोड थोड़ा ऑफ रोड है, तो हम इस सवारी में आए हैं, और इसके अंदर ही हम वहाँ से लेके आए हैं पूरे तमाम लोग, 5-6 लोग जो सरकार में हाज़िरी देंगे इंशाल्लाह भी, और दुआ खैर तमाम लोगों के लिए, आप लोगों के लिए हम करेंगे। तो आइए आगे चलते हैं इंशाल्लाह, आगे का नज़ारा आपको दिखाते हैं। दोस्तों अभी हम लोग इस वक्त मौजूद हैं हज़रत शाह मंसूर साहब रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह के बिल्कुल ही करीब में, अभी हम लोग इस वक्त मौजूद हैं जंगल, और जंगल के बिल्कुल बीचों बीच में हज़रत की बारगाह है, और इंशाल्लाह आज हम आपको हज़रत शाह मंसूर साहब रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह की ज़ियारत करवाएंगे, और हज़रत की क्या करामत है वो भी हम आपको इंशाल्लाह इसी वीडियो में बताएंगे। तो दोस्तों अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर हमें अभी हम लोग इस रास्ते से आए हैं, इस रास्ते के बिल्कुल ही करीब में ये कुआँ है, यहाँ पर हमने ये कुआँ को देखा है। ये कुआं इसलिए खुदवाया गया था, जो भी यहाँ पर लोग रहते हैं उन लोगों की पानी की सहूलियत के लिए इस कुआं को यहाँ पर खुदवाया गया था, जो भी यहाँ पर लोग रहते हैं इस कुआं का पानी इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों आज जो हम लोग आए हैं वो अजमेर शरीफ से आए हैं, और अजमेर शरीफ से हमारे साथ में हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती संजरी सुमुल अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह के खादिम साहब है, जो कि अज़हर भाई हैं, और आज जो हम ये चादर शरीफ लेकर के आए हैं ये हुजूर ख्वाजा खाजगान हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती संजरी सुमुल अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह की चादर है। ये हुजूर गरीब नवाज के मज़ार मुबारक में पेश हुई हुई चादर है, और यही चादर आज हम हज़रत शाह मंसूर साहब रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार मुबारक में पेश करेंगे, और अल्लाह आज हमारे लिए दुआए खैर अज़हर भाई करेंगे, जो कि हुजूर ख्वाजा खाजगान हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती संजरी सुमुल अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह के खादिम साहब है, और हमारे साथ में ये हमारे भाई हैं, क्यों, और आज हम हमारे भाई के ज़रिए से ही हज़रत शाह मंसूर शाह रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह की हम आपको ज़ियारत करवाएंगे, और हज़रत की क्या करामत है वो हम आपको बताएंगे। देखिएगा हम शाह मंसूर शाह बाबा की बारगाह से
लगभग फ़िलहाल 200 मीटर की दूरी पे हैं, और इंशाल्लाह और रहमान कुछ ही पल में हम वहाँ पर तशरीफ़ लेके चले जाएंगे। और ये फ़िलहाल अभी कुछ टाइम पहले जब यहाँ पर कोई पानी का बंदोबस्त नहीं जी था, जी जी, तो सरकार के हुक्म और उनकी बदौलत यहाँ पर ये कुआं जी मौजूद है, इसको कुइयां बोलते हैं जी। तो ये काफ़ी गहरा है ये, और उस टाइम से जब यहाँ पर कोई पानी का बंदोबस्त नहीं था, इससे यहाँ से लोग बाग फैज़ उठाया करते थे। और यहाँ से इस पानी में खास बात ये है कि अगर इस पानी को कोई पीता है तो जैसे कोई जिस्म के अंदर कोई प्रॉब्लम होती है, कोई ऐसी बीमारी होती है, पथरी होती है, तो इंशाल्लाह शाह मंसूर की करामात से उनकी दुआओं के बदौलत ये सब ख़त्म हो जाती है माशाल्लाह। और ये आप देख सकते हैं, ये आप पीछे में ये सब जंगल है, और जंगल में यहाँ पर शेर, चीता, अधिकतर जितने भी जानवर है सब यहाँ मौजूद होते हैं, पर उनके करामात की बदौलत के यहाँ जो इंसान आता है उनको ये एक आँच जिसे कहते हैं कि हल्की से एक चिट्ठी भर काट लेती है, वो दुख नहीं देते माशाल्लाह। ये करामात मेरे शाह मंसूर साहब बाबा की है, और इंशाल्लाह आगे हम जा ही रहे हैं इंशाल्लाह, और जो जो मालूमात है इंशाल्लाह आपको बता रहे हैं। पूछ रहा था आपसे, जैसे आपने बताया कि आप शहीद हैं, तो वो जंग उस दौरान में इसी इलाके में हुई? नहीं नहीं नहीं, वो इस इलाके में नहीं हुई है, वो दर मखदूम अलाउद्दीन अली अहमद साहिर पाक के जहाँ बहारगाह है वहाँ पर पहले बहुत बड़ा मैदान था, बहुत बड़ा ग्राउंड था, और उस समय जो राजा था वो राजा जो था, आप सवा मन सोना बांटा करता था वो राजा, पर उसकी एक गंदी आदत थी कि जैसे शादी कोई हुआ करती थी तो पहली रात वो उन लड़कियों को अपने पास बुलाया करता था। अच्छा, ये गंदी आदत है। ये गंदी आदत उसमें थी, तो इमाम साहब बाबा ने अपने वालदा माजदा से फरमाया कि या वालदा आप मुझे ये बताइए कि दीन की शादी बेहतर है या दुनियावी शादी बेहतर है। तो आपकी वालदा माजदा ने जवाब दिया कि बेटा मैं आपको अपने तरीके से बताऊँ तो ये दीन की शादी बेहतर है, तो तू दीन की शादी कर। आपने फरमाया ठीक है माजदा, मैं दीन की शादी करने के लिए जा रहा हूँ, आप मुझे दुआ करिए मेरे लिए, मेरे हक़ में दुआ करिए कि मैं इस चीज़ में फ़तेह हो जाऊँ। आप आए, आपके साथ में एक मामू जान थे, उनका नाम मेरे अभी ध्यान में नहीं आ रहा है जी जी। तो इंशाल्लाह ताला मैं आपको अभी बताता हूँ जाकर, पर उस टाइम आपके मामू भी आपके साथ में चले। अच्छा। और आपके पीर मुर्शिद भी, इमाम साहब के पीर मुर्शिद भी वही है। अच्छा, आपके मामू जान ही, तो आप अपने मामू जान को अपने पीर मुर्शिद के साथ में आए। हाँ। और आने के बाद में कहा कि राजन तू अभी तुझे मौका है, सुधर जा। आपके साथ में 70 पीर और 72 वली आपके साथ में आए थे, और उनके साथ में आपने फरमाया कि हमें जंग नहीं करनी कि राजा तू अभी सुधर जा, कि अभी तेरे पास मौका है। पर उस वक्त वो अपनी उरूज में था, वो अपनी बादशाहत में था, तो उसको लगा कि ये कुछ नहीं है, वो तकब्बुर उसका उसको डुबा के ले गया। आपने फरमाया कि ठीक है, अब तू नहीं मान रहा है तो हम जंग करेंगे। तो आपके वहाँ पर चार जो मजार फेमस है, एक किलकिली साहब बाबा, और एक पिरगैब अली साहब बाबा, और आप अब्दाल साहब बाबा, और आप खुद एक इमाम साहब बाबा, आपकी जो बहारगाह है आपने देखा है, आपके बहारगाह में आपकी बहन की भी मजार शरीफ, आप अगर आप वहाँ पर होके आए हैं, हाँ, तो वहाँ पर उनकी बहन की मजार शरीफ भी है। तो आपने जंग जारी करी, तो जो उसका किला था, एक किलकिली साहब बाबा का ये वाकया है कि जब आपने पहली किलकी मारी तो उसकी किले में हल्की सी दरार आई, फिर आपने दूसरी किलकी मारी तो थोड़ी बड़ी दरार आई, तीसरी किलकी पे उसका जो किला था हिल गया जी जी, नस्त नाबूद हो गया। तो आपने इमाम साहब बाबा ने, आप जितने भी 70 पीर 72 वली, आप उनमें से एक वली है जी, आपके साथ में जहाँ पे हम फिलहाल मौजूद हैं शाह मंसूर साहब बाबा में, आप उन्हीं के साथ आए जी 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 जी। तो उस वक्त आपने फरमाया कि राजा तू मान जा, तो उस टाइम उन्होंने नहीं माना, तो आपका जो किला था किलकिली साहब बाबा ने नस्तो नाबूद कर दिया। फिर उसकी जो प्रजा थी आपके साथ में, जो 70 पीर 72 वली थे, आपने अपने नैज़े तलवार से आपने उनका सामना किया, उनका मुकाबला किया, और मुकाबला करने के बाद में आप इमाम साहब बाबा राजा के पास पहुंच गए, कहा कि तुझे कहा था कि मान जा, अभी टाइम था, पर अब ये तेरी एक ना चलेगी, ना चली है ना किसी की चलेगी, अपना तेरी चलेगी। तो आपने उसकी तलवार से, उसने कहा कि मेरी एक ख्वाहिश है, कहा बताओ, मरने से पहले आपने कहा कि कोई ख्वाहिश है तेरी, तो हाँ क्या एक ख्वाहिश है मेरी,
क्या ख्वाहिश है कि मेरे मरने के बाद में मेरा जो सर आप काटोगे वो पहली सीढ़ी के नीचे आप दबाओगे। अच्छा, तो आप इमाम साहब बाबा ने कहा कि ठीक है, आपने उसकी गर्दन शरीर से अलग की, करने के बाद में आज भी वो इबरत हमें इबरत देती है। इबरत नाथ आप जाके देख सकते हैं कि उस पहली पेड़ी के नीचे उसका सर दफन है। अच्छा अच्छा जी। तो दोस्तों अभी हम लोग पहुंच चुके हैं हज़रत शाह मंसूर साहब रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह के बिल्कुल ही करीब में। जैसा कि मैंने आपको बताया, गेट के पास में ही है। जो भी ज़ायरीन यहाँ पर आते हैं ज़ियारत के लिए, उनके वज़ू का इंतज़ाम गेट के बिल्कुल ही पास में है। और जो भी ज़ायरीन यहाँ पर आते हैं सरकार की बारगाह में ज़ियारत के लिए, उनकी सहूलियत के लिए यहाँ पर दुकान वगैरह भी लगी हुई है। चादर, फूल, जो भी यहाँ पर सरकार की बारगाह में पेश होता है, उन लोगों की सहूलियत के लिए, ज़ायरीनों की सहूलियत के लिए यहाँ पर दुकान वगैरह लगी हुई है। लोग यहाँ से आकर के बड़ी ही आसानी से ले लेते हैं। चादर, फूल, जो भी सरकार की बारगाह में पेश होता है वो यहीं से ले लेते हैं। और हमने भी यहीं से ले लिया है, ये देखिए शुन्नी वगैरह ले लिया है। और हम चादर हुजूर गरीब नवाज की बारगाह से लेकर के आए हैं, जैसा कि हमने आपको बताया। तो आइए अभी चलते हैं अजहर भाई के साथ में हजरत शाह मंसूर साहब रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में, और आपको हजरत की बारगाह की ज्यारत करवाते हैं, और हमारे लिए दुआ खैर अजहर भाई करेंगे। और अभी हम गेट के अंदर आ चुके हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये हजरत का मज़ार मुबारक है, आप हमारी वीडियो के ज़रिए से ज़ियारत कर सकते हैं। ये हजरत का मज़ार मुबारक है, ये हज़रत शाह मंसूर साहब रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार मुबारक है, आप हमारी वीडियो के ज़रिए से ज़ियारत कर सकते हैं। और यहीं पर हम जो हुजूर गरीब नवाज़ की बारगाह से चादर लेकर के आए हैं, जो हुजूर गरीब नवाज़ की बारगाह में मज़ार मुबारक में पेश हुई भी चादर है, वो चादर हम आज इंशाल्लाह यहीं पेश करेंगे। साहिब मज़ार के लिए हुजूर गरीब नवाज़ की बारगाह का, तो हज़रत भाई पेश करेंगे चादर को। जी सुभान अल्लाह, 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 सुभान अल्लाह। तो अभी हमने चादर पेश कर दिया है, और अभी अजहर भाई हमारे लिए दुआए खैर करेंगे। اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد المبارك وسلم صلوات والسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسقين اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم الم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي انقضى ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا وإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الفاتحة یا الٰہی العالمین پاک کلام میں پڑھا اس پاک کلام کو تیری بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، تیری بارگاہ میں قبول و مقبول عطا فرما، آمین۔ اس کا ہدیہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی روح مبارک کو پیش کرتا ہوں، کہ روح مبارک قبول و مقبول عطا فرما، آمین۔ آپ کی روح مبارک کو اس مقام محمود پہ پائے فرمائیں گا، تو نے ان سے وعدہ فرمایا، بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں آتا باری تعالی۔ اس پاک کلام کا نذرانہ تمام انبیاء احترام، تمام ازواج محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، تمام صحابہ احترام، تمام اہل بیت، تمام تابعین تبع تابعین، تمام شہیدان اسلام، تمام شہیدان کربلا، تمام غوث، تمام ابدال، تمام دستگیر، تمام کتب، تمام خواجہ، تمام کلندر، تمام اولیاء اللہ، تمام مجذوب، تمام مومن مومنات، تمام مسلم و مسلمات، اور تمام مرحومین کو اس کا نذرانہ درجہ بدرجہ پہنچا۔
बिलखसूस इस पाक कलाम का नजराना हम जिस बारगाह में हाजिर हजरत हजरत शहीद शाह मंसूर रजी अल्लाह तआला अन्हु की रूह मुबारक को बचा, जो कुछ पढ़ा तेरी बारगाह में कबूल मकबूल अता फरमा, पढ़ने में जो भी गलती गुस्ताखी की हो तो तू माफ़ अता फरमा, बेशक तेरी ज़ात रहमान रहीम है मेरे मालिक। اللهم انت السلام ومنت السلام عليك السلام حينا ربنا والسلام وادخلنا الجنه دار السلام تبارك ربنا وتعالي تياد الجلال والاكرام اللهم ربنا اتينا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدين وقنا عذاب الدارين يا اله العالمين تیرے پاک کر تیرے پاک بندے جو تیری راہ میں شہید ہوئے ہیں تیرے ولی इस पाक बारगाह से तेरी बारगाह में हम तमाम लोग हाथ उठा के खड़े, हमारी दुआओं को तेरी बारगाह में कबूल मकबूल अता फरमा। बेशक तो रोशन रवि रे बारी तआला, हमारे दिलों के हाल तुझको मालूम है, दिलों की तमाम जायज़ मुराद पूरी अता फरमा। या इलाहुल आलमीन इस पाक शाह मंसूर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के वसीले से जो लोग वीडियो को देख रहे हैं उनकी तमाम वीडियो जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उनकी तमाम लोगों की हाजिर कबूल मकबूल अता फरमा। जो लोग ना औलाद उनको साहिब औलाद अता फरमा, जो लोग मकरूज़ हैं कर्ज में डूबे हैं कर्ज निजात अता फरमा, जिनके घरों में बच्चे नहीं हैं उनके लिए नेक साले रिश्ते नेक साले बच्चे अता फरमा, जिनके घरों में बच्चे जवान हैं बच्चों के लिए नेक साले रिश्ते अता फरमा। हमेशा तेरे दामन के तेरे पाक दामन के साए में रख, हमको खिदमत खल करने की तौफीक अता फरमा, जहाँ रख खुशोबाद रख, मोहब्बत इत्तेफाक आपस में घरों में बना रहे। या सुल्तानुल हिंद करीम नवाज़ मोइनुद्दीन मोइनुल हक हबीबुल्लाह आइन बिज़्निल्लाह, मदद कीजिए खुदारा हम सब की, मदद कीजिए हम सब की खुदारा फिज़्निल्लाह करीम नवाज बगैर दाबे बला अफ्ताद कश्ती ज़ईफ़ानो शिकसरात पुश्ती बहक़े ख्वाजा इस्मान हारून, मदद कुनिया मोइनुद्दीन चिश्ती, मदद कुनिया मोइनुद्दीन चिश्ती, मदद कुनिया मोइनुद्दीन चिश्ती। वक़ाल अल्लाह तबारक व तआला फ़ी शान अज़मत हबीबिल करीम, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युल्लज़ीना आमनु सल्लू अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा, सल्लल्लाहु अलैहि या मोहम्मद नूरुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, सलातु सलाम अलैहि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सुभान रब्बिक रब्बिल इज्जति मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन व अलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व हक ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। तो आप लोगों को सरकार की बारगाह में हाजिर करा दिए, दुआ खैर कर दी, अल्लाह ताला वली अल्लाह की वसीले से हमारी दुआएं कबूल मकबूल अता फरमाए अपनी बारगाह में, और हमें भी इस्लाम की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। इंशाअल्लाह ताला बाहर चलेंगे और हजरत की कुछ करामतें हैं जो भाई से और सुनेंगे हम इंशाअल्लाह। तो दोस्तों अभी हमने यहाँ पे चादर पेश कर दिया है जो हम अजमेर शरीफ से लेकर के आए थे, और ये हमारे भाई है जो यहाँ के खादिम साहब हैं, ये यहीं पर ही रहते हैं, यहाँ की खिदमत करते हैं, हजरत के बारगाह की खिदमत करते हैं, ये यहाँ के खादिम साहब हैं। तो अभी हम आगे की तरफ चलेंगे। जैसा मैं हमेशा हर वीडियो में बताता हूँ, जो भी खुदाम या जो भी बंदा साहिब मज़ार से जुड़ा हुआ है वो खिदमत करता है, उनका आप कुछ ना कुछ नज़र किया कीजिए, क्योंकि साहिब मज़ार की खुशनुदी हासिल होती है उस चीज़ से। बेशक बेशक, ये सुन्नत रसूल भी है अमल, उस चीज़ पर आप अमल किया कीजिए, चाहे कोई भी हो खुदाम, भले ही वो दरबार में सहन में झाड़ू ही क्यों ना लगा रहा, कुछ ना कुछ उसको देना चाहिए, वो खिदमत कर रहा है किसी ना किसी सूरत में। खुदाम का ख्याल रखना हमारा, बेशक साहिब मज़ार से डायरेक्टली जुड़े हुए हैं वो लोग। तो आइए चलते हैं हम अभी पीछे की तरफ। सुभानअल्लाह सुभानअल्लाह। तो दोस्तों अभी हमने हज़रत की बारगाह की ज़्यारत कर ली है, और जो हम चादर लेकर के आए थे वो हमने हज़रत के मज़ार मुबारक में पेश कर दिया है। अब मैं आपको एक ऐसी जगह दिखाने वाला हूँ जहाँ पर, यहाँ पर कहते हैं कि हर वक्त तेल जो है वो निकलता ही रहता है, और इस तेल की क्या करामत है, जो यहाँ के खादिम साहब हैं और जो हमारे साथ भाई आए हैं वो हमें बताएँगे। आइए, तो ये वही जगह है, आप देख सकते हैं हमारी वीडियो के ज़रिए से। जी भाई बताइए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, ये तेल है। जी जी जी, सुभान अल्लाह। तो आप ये देख सकते हैं ये तेल है भाई, हमने ये सुना था कि यहाँ से जो है तेल निकलता ही रहता है हर वक्त। ये एक ये जिंदा मौजूद आते हैं। जी जी जी, और ये जिंदा करामात है हमारे शाह मंसूर साहब बाबा जी। ये आज से नहीं, कई साल से। जी जी, जब यहाँ पर कोई किसी बंदे का नामो निशान नहीं था, जब आप शाह मंसूर साहब बाबा के खिदमत के लिए आपको यहाँ पर भेजा गया, इन खुदामों को जब भेजा गया, तो उस वक्त इस घड़े का पता चला
कि हाँ इस घड़े के अंदर कि क्या क्या फेज मिलते हैं। इस घड़े के अंदर जो तेल अभी भी है और ता कयामत वाले दिन तक रहेगा और इंशाल्लाह और रहमान कभी ख़त्म नहीं होगा। ये वली की शान है और ये वली की शान है और रहेगी। इस तेल से कितने लाइलाज है उनको काफ़ी शिफा मिलती है। कोई जिस्म में प्रॉब्लम हो, किसी को पथरी हो, या किसी को कोई भी जिस्म में दिक्कत हो, या कोई ऐसे वही मामलात हो, इंशाल्लाह रहमान आपका नाम लेके आपका वजीफ़ा पढ़ के इंशाल्लाह रहमान इसको पिला दीजिए, वो इंसान बिल्कुल ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। ये हमारा यकीदा है और यकीदा इंशाल्लाह रहेगा। और इस तेल, ये घड़े में जो तेल है, कभी ख़त्म नहीं होता है, कभी ख़त्म नहीं होता है, कभी ख़त्म नहीं होता है, जितना है उतना ही रहता है माशाल्लाह। जितना निकालोगे उतना झुका तू रहेगा माशाल्लाह। ऊपर से कोई डालता भी नहीं, लेकिन नहीं, अंदर, नहीं, नहीं, अंदर से कोई नहीं डालता, घड़े के अंदर अंदर से ही निकलता जी, ऑटोमेटिक। ये नेचुरल जैसा तरीका होता है उस तरीके से वैसे निकलता है। जैसे आपने देखा है कि पानी नेचुरल निकलता है, कहीं झरने से निकलता है, तो नेचुरल ये इस घड़े के अंदर ये बात है कि थोड़ा थोड़ा तेल इसमें से डिलीवर निकलता है। तांबे का है, मिट्टी का है, ये तांबे का है, तांबे का। माशाल्लाह माशाल्लाह, जैसा कि हमें भाई बता रहे हैं, ये जो घड़ा है इसमें से हर वक्त तेल निकलता ही रहता है, और तेल जो है ना हमेशा इतना ही रहता है। चाहे जो भी ज़ायरीन यहाँ पे ज़ियारत के लिए आते हैं वो इस तेल को घर में लेकर के जाते हैं, और चाहे जितने भी ज़ायरीन आए यहाँ पर तेल लेके जाने के बावजूद भी यहाँ पर तेल रहता है, कभी यहाँ का तेल ख़त्म नहीं होता है। तेल ऊपर से डाला नहीं जाता है, अंदर से ही निकलता है हमेशा। और तेल को जो है ऊपर से नहीं डाला जाता है, ये तेल अंदर ज़मीन से ही निकलता है इस घड़े में अपने आप। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये हज़रत की एक करामत है जो आप देख सकते हैं। और ये हमारी खुशकिस्मती है कि हमें इस बारगाह की हाजिरी नसीब हुई है और यहाँ के बारे में हमें पता चला है। कुछ और सरकार के बारे में जो आप कुछ बताइए भाई, सरकार इधर आइए, इधर आ जाइए। हाँ ये चलिए, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये बारगाह जंगल के बिल्कुल बीचों बीच में है, और आप यहाँ का मंजर देख सकते हैं, ये तमाम पेड़ आप देख सकते हैं, ये तमाम पेड़ जो है ना जंगल के बिल्कुल ही, देख सकते हैं आप ये मंजर, और ये जंगल के बिल्कुल बीचों बीच में इस तरफ जो है टाइगर वगैरह आता है, आज भी आता है, आज भी आता है। जैसा कि हमें भाई बता रहे हैं, टाइगर जो है आज भी आते हैं सरकार की बारगाह में सलामी देने के लिए। पहले जो टाइगर आता था वो दरबार के बिल्कुल रोजे के पास आता था जी, जब कुछ भी मतलब गांव की आबादी बहुत कम थी जी, तो उस टाइम बिल्कुल दरबार के रोजे में जो हमारे बड़े लोग बुजुर्ग थे जी, उन्होंने बिल्कुल रोजे के पास में भी देखा है जी। और अब भी जब भी टाइगर की मतलब पूछते हैं लोग बाहर से आके कि टाइगर आता है भाई आता है, तो उन्हें बताते हैं कि अभी टाइगर मतलब दरबार में आबादी की वजह से गाँव बस गया था छोटा, उसकी वजह से तो अब टाइगर ऊपर रोजे के पास नहीं आ पाता, इधर से दहाड़ने की आवाज़ आती है। हाँ तो दोस्तों, आप तमाम लोगों को हजरत शाह मंसूर रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में हाजिरी करा दी है, तमाम लोगों के लिए दुआ खैर भी करी है। और हजरत का उर्स मुबारक कब आता है, वो जो गद्दी नशीन यहाँ पे हैं खिदमत गुजार हैं उनसे हम पूछते हैं जी। भाई अब हजरत का उर्स के मुबारक के बारे में जानकारी दो कुछ आप। ये 4 रबीउल अव्वल से उर्स शुरू हो जाता है, 5 रबीउल अव्वल को छोटी रोशनी बाद नमाज मगरिब के, अच्छा माशाल्लाह, और 6 रबीउल अव्वल को बड़ी रोशनी होती है सरकार की, और 7 रबीउल अव्वल को गुसल शरीफ फजर के बाद हो जाता है। अक्टूबर की पहली तारीख से शुरू होगा और 5 तारीख तक उर्स रहेगा। अक्टूबर की पहली तारीख से 5 तारीख तक उर्स मुबारक रहेगा हजरत का जी। तो उम्मीद करता है आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी, क्योंकि काफ़ी गहराई में आके हमने आपके लिए ये वीडियो बनाई है, और काफ़ी इलाका ख़राब था, जंगली जानवर थे, लेकिन अल्लाह वालों का करम है, साबिर पाक की दुआ है, खाजे साहब का करम है, सब बेड़ा पार होता है इनकी दुआओं से। इनका नाम लेके सफ़र पे निकले हैं तो वही मालिक हैं, वही निगेबान हैं, अल्लाह की ज़ात पे भरोसा है, इंशाल्लाह सब बेड़ा पार होगा। तो इंशाल्लाह दोबारा मिलते हैं हम आपसे, लेकिन जाने से पहले कहूँगा कि हमारा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा वीडियोज़ को अच्छी लगे तो, और इंशाल्लाह फिर दोबारा और आगे का सफ़र जारी रखेंगे ट्रैवलिंग प्लेयर का, तो दोबारा इंशाल्लाह मुलाकात होगी आपसे, मिलते हैं दोबारा, फ़ी अमान अल्लाह।